नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा मुंदला। और न्यूज रूम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिग्गे के गढ़ में। सिंधिया आज जो है पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने के बाद पहली बार गुना पहुंच चुके हैं। शनिवार को भोपाल से वह कार से दोपहर 1 बजे गुना आ चुके हैं। यहाँ राघोगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में वह भाग लेने वाले हैं। यह पहली बार है जब सिंधिया दिग्विजय सिंह के गढ़ में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद गुना में पीजी कॉलेज खेल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सिंधिया के स्वागत और कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो यहां पर पूरी कर ली गई है। रास्ते में 50 से ज्यादा जगह उनका स्वागत होने वाला है। शुक्रवार को पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार, कलेक्टर और SP ने तैयारों का जायजा भी लिया। हम आपको बता दें कि दिग्गी के करीबी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व CM दिग्विजय सिंह के गढ़ और गृहनगर राघोगढ़ में बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां दिग्गी के करीबी और 2 बार राघोगढ़ से विधायक रहे मूल सिंह यानी कि दादा भाई के पुत्र हीरेंद्र सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण भी कर सकते हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल कराकर पार्टी कांग्रेस को दिग्गी के गढ़ में एक बड़ा झटका भी दे सकती है। इस बात की खबर भी यहां सामने आई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, शहर में उत्सवी माहौल बना हुआ है। जननायक टंटिया मामा स्मृति समारोह का मुख्य कार्यक्रम जो है वो शनिवार को यानी कि आज नेहरू स्टेडियम में होने वाला है। इससे पहले स्मृति कार्यक्रम के तहत पातालपानी में दोपहर 12 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टंटिया मामा की नवीन कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। टंटिया मामा मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन और पौधारोपण किया गया। पातालपानी में कार्यक्रम के बाद नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम में यहां पहुंचेंगे। यहां सभा और प्रदर्शनी के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के तहत ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। अगर आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो रिंग रोड, पिपलेहाना चौराहा, शिवाजी वाटिका, गीता भवन, GPO, नौलखा, भंवरकुआं रेसिडेंसी एरिया, पलासिया से भंवरकुआं तक BRTS, कृषि कॉलेज, आज़ाद नगर क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति वहां पर पैदा हो सकती है। इसलिए ट्रैफिक जो है वो दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के तेंदुए की। इंदौर में जू से भागे तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और जू प्रबंधन के कर्मचारियों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया है। टीम ने हैलोजन लगाकर सर्च ऑपरेशन किया। 48 घंटे बीतने के बाद भी तेंदुए का कहीं पर भी अता पता नहीं चल सका है। जहां जहां तेंदुए के पग मार्क व खून मिले थे वहां वहां 3 पिंजरे भी लगाए गए हैं। इनकी मदद से तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। तेंदुओं को फंसाने के लिए पिंजरों में मटन रखा गया है और इन पर CCTV से नज़रें भी रखी जा रही है। तेंदुए के ट्रैक होते ही वॉकी टॉकी पर चर्चा करते हुए कर्मचारी उसे पकड़ लेंगे। हम आपको बता दें कि जहाँ जहाँ उसका मूवमेंट दिखाई दे रहा था वहाँ वहाँ पर हाई मास्क लगाकर रोशनी की गई है। हालाँकि हम आपको बता दें कि जू में अभी तेंदुए के गायब होने के बाद से एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि तेंदुए के पैर में चोट लगी है और वो ज़्यादा लंबी छलांग जो है वो नहीं लगा सकता, लेकिन चल सकता है। चोट की वजह से उसे संक्रमण फैलने का खतरा भी अधिकारियों ने बताया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो सिंधिया की इंस्टाग्राम ID जो है वो हैक हो चुकी है। ज्योतिरादित्य के नाम की जगह हैकर ने श्रेया अरोरा लिख दिया है। हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंस्टाग्राम ID जो है वो हैक हो चुकी है। हैकर ने उनकी ID से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम हटाकर श्रेया अरोरा नाम लिख दिया है। समर्थकों ने IT टीम को इस मामले में अवगत भी करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं ओमिक्रोन की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए IAS सर्विस मीट को स्थगित कर दिया गया है। यह मीट भोपाल में 17 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव IPC केसरी ने बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की आशंका को ध्यान में रखकर मीट को स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है। केसरी ने आयोजन को टालने की भी सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का सामना जनभागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। हम संकट के मुहाने पर खड़े हुए हैं। दिल्ली में निजी चैनल से शुक्रवार को बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मिलजुल कर संभावित संकट का मुकाबला हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना पॉजिटिव की। तो मध्य प्रदेश में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल में लगातार 7वें दिन सबसे ज़्यादा यानी कि
8 केस आए हैं और इंदौर में 6। हम आपको ये भी बता दें कि महाकाल के दर्शन कर जो परिवार लौटा था वो भी संक्रमित यहाँ पर पाया गया है। 3 दिसंबर को 18 कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर तक पहुंचे तूफान जवात ने हवा का रुख जो है वो बदल दिया है। इस कारण हमारे यहाँ पर अभी रात में तेज़ ठंड जो है वो नहीं पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी अपर लेवल यानी कि 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा जो है वो चल रही है। जब इस लेवल पर हवा का रुख उत्तरी हो जाएगा तब हमारे यहाँ पर तेज़ ठंड पड़ने लग जाएगी। हालांकि 2 दिन पहले बहुत सर्द हवा चल रही थी लेकिन अब जो है वापस से गर्माहट महसूस होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि कुछ दिनों बाद सर्द मौसम आने वाला है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।